नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विंटर प्रोडक्शन पर। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब लिंक दिया गया है वीडियो के ऊपर एंड वीडियो के नीचे, सो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इंजॉय कीजिए और भी ज्यादा तरह की वीडियोस का। आज हम लोग सीखेंगे कैसे कोई फोल्डर क्रिएट किया जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन और डिफरेंट ड्राइव पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले माउस के राइट बटन को क्लिक कीजिए। उसके अंदर न्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। न्यू ऑप्शन के अंदर जो चार्ट आएगा उसमें फोल्डर पर क्लिक कीजिए। देख सकते हैं एक छोटा सा पिक्चर डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया है। इसको फोल्डर की कहते हैं। आप इसका नाम बदल दीजिए, जैसे मैं दे रही हूं इस फोल्डर का नाम विंटर प्रोडक्शन। अब देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो चुका है डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है कोई डिफरेंट ड्राइव पर तो पहले क्लिक कीजिए कंप्यूटर ऑप्शन को। कंप्यूटर ऑप्शन के अंदर जो लोकल डिस्क डी है उसमें हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो पहले ओपन कीजिए लोकल डिस्क डी को। आप लोग कोई दूसरा लोकल डिस्क को भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फोल्डर करने का दो तरीका है। पहले हम लोग सेम तरीका फॉलो करेंगे जो डेस्कटॉप पर फोल्डर करने के लिए किए थे। क्लिक करिए राइट बटन को माउस की, उसके अंदर न्यू ऑप्शन को क्लिक कीजिए। न्यू के अंदर जो चार्ट आएगा उसमें से फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है लोकल डिस्क डी पर। आप इसका नाम बदल दीजिए। फोल्डर क्रिएट हो चुका है लोकल डिस्क डी पर। एक और भी तरीका है फोल्डर क्रिएट करने का। उसके लिए न्यू फोल्डर ऑप्शन पर माउस से क्लिक करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर ऑप्शन दिया गया है ऊपर की तरफ, अब देख सकते हैं। क्लिक कीजिए न्यू फोल्डर ऑप्शन पर और फोल्डर आ जाएगा लोकल डिस्क डी पर। अब इसका नाम बदल दीजिए। आप दोनों तरीकों में से जो भी एक पसंद कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं फोल्डर क्रिएट करने के लिए। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और ज्यादा तरह की वीडियो का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।